हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके लिए वो प्रेसिडेंट का जो बचा हुआ है उसे आगे और कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे कराए जाते हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या हैं। तो आज जो हम पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर भी होती है, वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वो वीटो पावर्स जो हैं प्रेसिडेंट की, वो क्या होती हैं, क्या पावर हैं ऐसी जो उसके पास होती हैं, तो और किस टाइम उन वीटो पावर्स का वो इस्तेमाल करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ए लॉट टू डिस्कस। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ये वीटो होता क्या है। वीटो का मतलब हो गया सिंपली के से नो टू, कि मतलब कोई बात अगर उसको करनी है तो उस बात को करने से वो इनकार कर दे, मतलब अपनी पावर के इस्तेमाल कर रहा है, और जो वो पावर इस्तेमाल कर रहा है उस पावर का नाम हो गया वीटो। ठीक है, तो अब ये मतलब क्या हो गया, जैसे हमारा कोई एक्ट बनाना होता है, कोई कानून बनाना होता है, तो कानून बनाने के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, पार्लियामेंट के दो हाउसेस का और प्रेसिडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब पार्लियामेंट के दो हाउसेज हमारे पास होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कोई बिल जो है लोकसभा में जाता है, पास होकर राज्यसभा में चले जाता है, और राज्यसभा पास करने के बाद उससे वो तो अभी बिल ही है, वो अभी कोई भी एक्ट नहीं बना है, वो कोई कानून नहीं बना है। अब उससे पार्लियामेंट जो है दोनों हाउसेज में पास करने के बाद प्रेसिडेंट को भेज देता है, भैया आप इसके ऊपर अपना सील एंड सिग्नेचर कर लीजिएगा, और अगर वो सील एंड सिग्नेचर अपना उसके ऊपर कर देता है तो भैया वो बन जाता है एक्ट। ठीक है, लेकिन अगर वो उससे नहीं करता, अब वो तीन चीज़ें करता है, वहाँ पे कितनी चीज़ें करता है, वो तीन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा। या तो वो यस करेगा, अगर वो उस बिल को एक्सेप्ट कर देता है तो दैट मीन्स उसने एक्सेप्ट किया तो बोल दिया यस, यस किया तो उसने साइन मार दिया उस बिल पे और बन गया एक्ट। या तो वो क्या करेगा, नो बोल देगा, नो बोल देगा तो दैट मीन्स बिल एक्ट नहीं बनेगा, वो अटक जाता है वैसे ही। या तो वो क्या करेगा, बिल को वापस करेगा, उसे पढ़ेगा, अगर उसे लगता है इसमें कुछ कमी है या कुछ ज्यादती है वो पार्लियामेंट को वापस भेजेगा, बोलेगा इसे चेंज कीजिएगा, ये प्रॉब्लम जिसके पास है, तो बिल को वापस कर दिया। या तो क्या करेगा, बिल जो उसके पास गया है उस कागज को जेब में डाल के कोई भी एक्शन उसके ऊपर नहीं लेगा, ना ही यस करेगा, ना ही नो करेगा, और ना ही वापस करेगा। तो ये कुछ काम करता है वो जब बिल उसके पास जाता है। अब यहाँ पे वो पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिन पावर्स को हम वीटो पावर कहते हैं। अब वो वीटो पावर्स हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास तीन किस्म की होती हैं। एक होता है एब्सल्यूट वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो पावर, और थर्ड होती है पॉकेट वीटो पावर। इसके अलावा एक और वीटो पावर होती है जिसको बोलते हैं हम क्वालिफाइड वीटो पावर, वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं होती, वो पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के पास है। क्वालिफाइड वीटो पावर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के पास है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वो पावर नहीं है। अब हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। एब्सल्यूट वीटो पावर मतलब क्या हो गया, कि विद होल्डिंग द असेंट टू द बिल, बिल जो उसके पास पार्लियामेंट ने भेजा है उसको असेंट ऑफ अप्रूवल नहीं कर रहा है, बल्कि उसको विदहोल्ड करके रख रहा है। जब उसने उसे विदहोल्ड करके रख लिया तो दैट मीन्स द बिल देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट, वो बिल खत्म हो जाता है और वो एक्ट नहीं बनता। और ये वीटो पावर, ये एब्सल्यूट मतलब कंप्लीटली वो इनकार कर दे रहा है, एब्सल्यूटली तरीके से वो बिल को इनकार कर रहा है, और जब उसने बिल को इनकार कर दिया तो दैट मींस वो बिल एक्ट नहीं बनेगा। और ये एब्सल्यूट वीटो पावर 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस वीटो पावर का इस्तेमाल किया हुआ है, किसके लिए, एक पेप्सो एप्रोसिएशन बिल पार्लियामेंट ने पास करके प्रेसिडेंट को असेंट ऑफ अप्रूवल के लिए भेजा था, लेकिन उसने उस बिल को एब्सल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल करके विदहोल्ड करके रखा हुआ था अपने पास। और उसके बाद 1991 में डॉक्टर वेंकटरम
वेंकटरम जो है उसने भी एक एमपी सैलरीज अलाउंसेस बिल जो पार्लियामेंट ने पास करके भेजा था प्रेसिडेंट के पास, उस टाइम की जो प्रेसिडेंट थे 1991 में, वो वेंकटरम जो थे, उन्होंने भी इस एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस बिल को अपने पास विदहोल्ड कर दिया। ये हो गई एब्सोल्यूट वीटो पावर। दैट मींस कोई भी बिल पार्लियामेंट उसके पास भेजता है तो वो उसके असेंट ऑफ बिल को विदहोल्ड करके रखेगा। नाउ द नेक्स्ट वीटो पावर इज सस्पेंसिव वीटो पावर। नाउ व्हाट इज दिस सस्पेंसिव वीटो पावर? मतलब हो गया रिटर्निंग द बिल फॉर रिकॉन्सिडरेशन, मतलब वो बिल को वापस कर रहा है, बोल रहा है इसमें कुछ कमी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसे देखिएगा। और एक और बात ये बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे कि मनी बिल अगर हो तो मनी बिल जो है प्रेसिडेंट वापस नहीं करता। इसके अलावा कोई भी अगर बिल है तो प्रेसिडेंट चाहे उससे रिटर्न कर सकता है पार्लियामेंट को रिकॉन्सिडरेशन के लिए। अब मनी बिल को वापस क्यों नहीं करता? क्योंकि मनी बिल जब पार्लियामेंट ने बनाना होता है तो बनाने से पहले ही प्रेसिडेंट से उनको प्रियर रिकमेंडेशंस लेनी पड़ती हैं। तो दैट मीन्स जब उसने रिकमेंडेशंस पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट से पहले ही ले ली हैं, दैट मीन्स वो एक्ट पहले ही बन चुका है, इसलिए प्रेसिडेंट को वो वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसलिए भी नहीं भेजते हैं क्योंकि उसमें जब प्रेसिडेंट भेजता है उसके अंदर चेंजिंग लाती हैं। तो ये मनी बिल है, इसमें जो उन्होंने एक बार उसमें जो लिख लिया होता है उसमें चेंज नहीं ला सकते। ठीक है, तो दैट मीन्स सस्पेंसिव वीटो पावर का इस्तेमाल ये हो गया कि प्रेसिडेंट इस सस्पेंसिव वीटो पावर का इस्तेमाल करके किसी भी बिल को वापस कर सकता है फिर से रिकॉन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास, एक्सेप्ट मनी बिल। ठीक है, हाउएवर जब उसने एक बार प्रेसिडेंट ने उस बिल को वापस भेज दिया पार्लियामेंट के पास और प्रेसिडेंट उसको अमेंडमेंट करे या ना करे, और अमेंड करे या ना करे, और उस बिल को फिर से दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेज देता है, तो प्रेसिडेंट को फिर उस बिल को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है और अपनी सील एंड सिग्नेचर उस पर करना ही पड़ता है, फिर वो उसे दोबारा उसे वापस नहीं भेज सकता। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है, तो दिस इज द सस्पेंसिव वीटो पावर जिसमें प्रेसिडेंट इस वीटो पावर का इस्तेमाल करके बिल को दोबारा रिकॉन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास भेजता है। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द पॉकेट वीटो पावर। कोई बिल अगर उसके पास भेज दिया है प्रेसिडेंट के पास और उसने क्या कर दिया है, प्रेसिडेंट ने उस बिल को जेब में डाल के घूम रहा है बाप का राज समझ के, दैट मीन्स वो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल सेंट टू द प्रेसिडेंट। जो बिल प्रेसिडेंट को भेजा गया है उसके ऊपर वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, और ऐसी पावर जो है प्रेसिडेंट के पास उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो पावर, और उसने वो जेब में डाल दिया है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं ये बताया गया कि प्रेसिडेंट को अगर आप कोई बिल भेज रहे हो और उससे ना वो यस कह रहा है, ना ही वो नो कह रहा है, और ना ही वो वापस भेज रहा है, तीन ही काम तो उसने करना है, या तो यस करना है, या तो नो करना है, या तो वापस भेजना है, लेकिन वो इन तीनों को रिजेक्ट करके जेब में डाल के घूम रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया ही नहीं कि कितने टाइम लिमिट, क्या उसने बताया ही नहीं कि कितने टाइम लिमिट में प्रेसिडेंट को बिल या तो उसे यस करना है, या तो नो करना है, या तो वापस भेजना है, और वो छूट जो है प्रेसिडेंट को है और वो मजे से घूम रहा है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। और ये पॉकेट जो है पॉकेट वीटो पावर, और हम कंपेयर करें यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ, तो यूएसए के प्रेसिडेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पे ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट के पास कोई बिल जाता है तो विद इन 10 डेज उसे उस बिल को अपना जवाब देना पड़ता है, या यस या नो या वापस। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसके पास कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं है। ठीक है, द प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है यहां पे प्रेसिडेंट हमारा जो है किसी भी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का जो भी बिल है उससे प्रेसिडेंट को हर हाल में असेंट ऑफ अप्रूवल देना ही पड़ता है, इस पे वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही इज बॉन्ड टू ग्यू हिज असेंट टू सच अ बिल। ऐसे बिल के साथ वो बॉन्ड है,
उसे इस बिल को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो भैया ये वीडियो जो है आपको बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट जो है आपको लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे बहुत ही शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द पहुंचे। तो छोटों को प्यार, बड़ों को सलाम। अपने आसपास सफाई रखिएगा, अपने आसपास पौधे लगाइएगा और जब टाइम मिले तो दूसरों को पढ़ाइएगा, ठीक है? क्योंकि इल्म जो है फैलाने से नुकसान नहीं होता, इल्म को फैलाने से फ़ायदा होता है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।